देश में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में नागरिकों को इससे बचाना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए रेल प्रशासन ने 31 मार्च तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जिस वजह से नागपुर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा सा छाया रहा। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता एकता गैरवार की ये रिपोर्ट। मध्य भारत का सबसे बड़ा नागपुर रेलवे स्टेशन हमेशा ही हजारों लाखों यात्रियों से भरा रहता है, लेकिन सोमवार को यहां न कोई यात्री दिखाई दिया और न ही किसी ट्रेन की आवाज आई। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, बस इक्का दुक्का ही कुछ रेल कर्मचारी अपना फर्ज निभा रहे थे। हमने इस दौरान स्टेशन निदेशक दिनेश नागदेवे से बात की। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार सारी ट्रेनें रद्द की गई है। जो ट्रेन 2 से 3 दिन पहले निकली थी वही नागपुर आएंगी। कोरोना वायरस फैल रहा है, पूरे दुनिया में फैल रहा है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट में और हमारे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने, रेलवे बोर्ड से हमको आदेश आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्दी ना हो, जो यात्री लोग हैं कम से कम सफ़र करें। लेकिन 2-3 दिन कुछ ट्रेन हमने कैंसिल किए थे, लेकिन लोगों का प्रतिसाद नहीं मिला, इसकी वजह से रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी गाड़ियाँ कैंसिल करा दी हैं। जो लंबी दूरी की कुछ गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, उसमें कुछ पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अभी आज के बाद में कोई गाड़ी 31 मार्च तक 24 बजे तक रेलवे स्टेशन में नहीं आई। उनकी मैडम तो हम उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, डॉक्टर से हमारे पास, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, RPF स्टाफ है, सब उनका चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद में उनको सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट पुलिस का कल हमको ऑर्डर आया था कि आपने चेक किया करके दे, तो उनको हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। और यहाँ से कॉरपोरेशन के थ्रू हमारा टाइप है, तो उनको जाने के लिए भी कुछ स्टार बसेस हमने मुहैया कराई है, कुछ हमारी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ हैं वो भी मुहैया कराई है कि उनको घर तक हम पहुँचा दें। हाँ मैडम, उनको तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फुल रिफंड देंगे, वो जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना पूरा, तो उनको फुल रिफंड दे देंगे, क्योंकि तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंसिल किया है ना, उनकी कोई गलती नहीं है पैसेंजर्स। हम तो यात्रियों को यही आह्वान करें कि जैसी ये COVID-19 और कोरोना वायरस जो फैल रहा है, तो घरों से ना निकले, कुछ इसेंशियल वर्क हो, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट तो ही निकले, वरना घर के अंदर ही रहें, क्योंकि ये जो वायरस है ये छूने से फैलता है ना कि हवा से, तो कम से कम लोगों के संपर्क में ना आए, घर के ही रहें, यही मेरे। इसके बाद हमने नागपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। हम खड़े हैं मध्य भारत के सबसे बड़े नागपुर रेलवे स्टेशन पे, जहां हर रोज हजारों लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते रेल प्रशासन ने सारी गाड़ियां कैंसिल कर दी है, सारी पैसेंजर गाड़ियां 31 मार्च तक के रद्द कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ एक भी यात्री नजर नहीं आ रहा है। ये कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, 31 मार्च तक सारी पैसेंजर गाड़ियां रद्द कर दी गई है। हम बता देते हैं कि रोज़ाना करीब देश में 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, और यहां नागपुर स्टेशन भी ऐसा बड़ा स्टेशन है कि यहां हजारों लाखों पैसेंजर जो है रोज़ सफ़र करते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के चलते सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई है, तो यहाँ चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। बस यहाँ कुछ ज़रूरत, जो जिनको ज़रूरत है वही कर्मचारी यहाँ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक भी पैसेंजर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ एक भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन नज़र नहीं आ रही है। जो भी नज़र आ रही है वो मालवाहक गाड़ी है या कोई भी जो है, सारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई है। हम भी सभी यात्रियों से यही अपील करेंगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण है जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। देश में आज 415 संक्रमित मरीज पाए गए हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य में 90 के पास मरीज पहुंच चुके हैं। ऐसे में हम सभी ने सावधानी बरतनी चाहिए, घर से ना नहीं निकलना चाहिए, और बहुत ज़रूरत हो तो ही सफ़र करना चाहिए, लेकिन उस सफ़र को भी हमें रोकना चाहिए, टालना चाहिए, भीड़भाड़ वाली जगह जाना नहीं चाहिए और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। हम जहां खड़े हैं वो ये जगह है जहां रोजाना हजारों की तादाद में यात्री इस ब्रिज से उतरते हैं, इस ब्रिज से ट्रेन की ओर बढ़ते हैं, घर जाते हैं, लेकिन ये ब्रिज पूरी तरह खाली पड़ा है, पूरी तरह यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि सारी सीढ़ियां खाली है,
सारे ब्रिज सारे प्लेटफॉर्म की ओर जाने वाले ब्रिज जो है खाली पड़े हैं। हम देख सकते हैं कि किस और किस तरह से कोरोना वायरस के चलते पूरा भरा हमेशा भरा रहने वाला रेलवे स्टेशन आज खाली पड़ा है। देख सकते हैं इसी सीढ़ियों से रोजाना हजारों यात्री अपने गंतव्य स्थान की ओर अपने घर जाते हैं, रेलवे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आज ये ब्रिज खाली पड़ा है, ये जो रास्ता है सूना पड़ा है। 31 मार्च तक के सभी ट्रेनें जो है कैंसिल कर दी गई है। हम भी सभी लोगों से यही अपील करेंगे कि आप भी कोरोना वायरस के चलते अपने घर में ही बैठे और प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा जो भी आदेश दिए जा रहे हैं, जो भी सावधानी बरतने को कहा जा रहा है, वो सब बातों का ध्यान रखें और खुद को और अपने परिवार को साथ ही अपने देश को कोरोना वायरस के चपेट में आने से सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खुबरागढ़ के साथ मैं एकता गहरवार, INBCN न्यूज़ नागपुर।